जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम 1 जून 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। दोस्तों लक्ष्य डिफेंस एकेडमी येवला जलगांव ने और यहाँ पर आर्मी पुलिस सीआरपीएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी एसएसएफ एनआईए असम राइफल्स एसएसबी एसएससी एमटीएस सीएचएसएल बीआरओ एमईएस बीएसएफ नेवी एयरफोर्स इन सब के दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर दोस्तों सुबह 2 घंटा फिजिकल ट्रेनिंग और शाम को 1 घंटा दोस्तों स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं और बाकी समय दोस्तों यहाँ पर रिटन पेपर की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैथ रीजनिंग करंट अफेयर उसके बाद जीके ये सभी सब्जेक्ट दोस्तों आपको यहाँ पर हिंदी में सिखाए जाते हैं क्योंकि ये जितने भी सेंट्रल लेवल की एग्जाम है दोस्तों ये आपकी हिंदी में ही होती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सभी सिलेबस हिंदी में ही सिखाया जाएगा। आज का मोटिवेशनल कोट है, मंजिल उन्हें नहीं मिलती, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जो जिद पर अड़े होते हैं। दोस्तों दोबारा सुन लो, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि भर्ती अभी नहीं हो रही तो हम ये सब कुछ मतलब अपनी तैयारी करना बंद कर दें, तो बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा मत करना दोस्तों। सुबह उठो, जब तक एकेडमी स्टार्ट नहीं होती है सुबह अपना 1-1.5 घंटा पसीना बहाओ और जितने भी मैं आपको वीडियोस भेजता हूँ वीडियोस ठीक से देख लो, करंट अफेयर ठीक से देख लो दोस्तों, इसको ठीक से समझ लो। कभी नहीं कि मतलब भर्ती आज ना कल दोस्तों निकलेगी भर्ती, तो आप अपनी जो है तैयारी बंद नहीं करनी है। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को कमीशन किया गया है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों इसका निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, इसका निर्माण किया गया है दोस्तों। दोस्तों ये एक अपतटीय गश्ती पोत है दोस्तों और ये जो है तट की सुरक्षा करेगी, जितनी भी तट दोस्तों ये उस तट की सुरक्षा करेगी दोस्तों ये, और भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को मार्च 2021 में कहाँ से नेवी के बेड़े में शामिल किया गया? दोस्तों ये किया गया चेन्नई से। कब किया दोस्तों? वज्र जो अभी आपने सुना होगा जो सिंगापुर का जहाज था, सिंगापुर के जहाज को जब कोलंबो के पास उसको आग लग गई तो वहां पर इस वज्र को दोस्तों भेजा गया था आग बुझाने के लिए, और इसी जहाज को कब? मार्च 2021 में दोस्तों नेवी के बेड़े में शामिल किया गया, और कहाँ से किया गया दोस्तों? इसको चेन्नई से दोस्तों इसको शामिल किया गया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और भारतीय नौसेना के पहले डिस्ट्रॉयर जिसे डी कमीशन कर दिया गया दोस्तों, INS राजपूत दोस्तों, कौन सा? INS राजपूत, इसको अभी भारतीय नौसेना से डिस्ट्रॉय कर दिया दोस्तों, इसको निकाल दिया गया। कब और इसको कमीशन कब किया दोस्तों? 1980 में दोस्तों ये भारतीय नौसेना में शामिल हो गया था। ये दोस्तों हमने रूस से खरीदा था, किससे खरीदा था दोस्तों? हमने रूस से खरीदा था और 41 साल के बाद दोस्तों इसको अभी सेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। जहाज तोड़ने का दोस्तों, जहाज तोड़ने का जो है जहाज कहाँ पर तोड़े जाते हैं दोस्तों? जहाज तोड़े जाते हैं अलंग गुजरात, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अलंग गुजरात जो है दोस्तों यहाँ पर जहाज तोड़े जाते हैं। और दोस्तों ये जो गोवा शिपयार्ड और मजगांव डॉक लिमिटेड दोस्तों, ये कहाँ पर दोस्तों? ये है मुंबई में दोस्तों। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड दोस्तों ये कहाँ पर है? ये दोस्तों कोची में। और दोस्तों
एक गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड, कौन सा? गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड जो है दोस्तों ये कहाँ पर है? गार्डन ईडन गार्डन का है दोस्तों, कलकत्ता में। ईडन गार्डन कहाँ पर है? कलकत्ता में। तो इसी गार्डन से आप लोग ध्यान रखो, गार्डन रिच शिपयार्ड कहाँ पर दोस्तों? ये भी कलकत्ता में ही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाने की घोषणा की है। पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब की गई दोस्तों? पीएम केयर्स फंड की स्थापना आपने देखा होगा, पिछली बार जो है जब कोरोना महामारी दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान 22 मार्च को लॉकडाउन दोस्तों स्टार्ट हुआ, 22 मार्च 2020 से। उसके बाद 27 मार्च को दोस्तों पीएम केयर्स फंड की दोस्तों स्थापना हो गई। कब? 27 मार्च को पीएम केयर्स फंड की स्थापना हो गई, स्थापना हो गई। और दोस्तों पीएम केयर्स, ये पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। पीएम केयर्स का, पीएम केयर्स जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म जो है आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है, आप सभी अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना, सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। क्या है दोस्तों? सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, इन इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन जो है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। इसके जो पीएम केयर्स के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? ये होते देश के पीएम दोस्तों। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। और दोस्तों इस योजना के तहत जैसे कौन, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, पीएम केयर्स जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन ये योजना दोस्तों, ये तो हुई थी मार्च 2020 में दोस्तों, इस योजना का आरंभ हुआ था। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस योजना की दोस्तों शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत जो है दोस्तों कोविड-19 में जो अनाथ हुए दोस्तों बच्चे, कोविड-19 में जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन बच्चों को इस फंड से 23 साल की उम्र में, कितनी साल की उम्र में? 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे दोस्तों। कितना? 10 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे। कब? जब इनकी उम्र 23 साल हो जाएगी दोस्तों। कुछ कोविड के कुछ योजनाएं दोस्तों, ये पक्का पेपर में 100% टपकेगा दोस्तों। इसीलिए ये सभी योजनाएं जो मैंने आपको बताई दोस्तों, ये कौन कौन से राज्य से योजना है और क्या क्या इस योजना के तहत होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा रिवीजन, जैसे सीएम कोविड बाल कल्याण योजना दोस्तों, कौन सी? सीएम कोविड बाल कल्याण योजना दोस्तों, ये किसने शुरुआत की थी? ये शुरुआत की थी मध्य प्रदेश ने। इसके तहत दोस्तों जो अनाथ हुए दोस्तों बच्चे, उनको 5,000 रुपये पेंशन दिया जाए दोस्तों। कितना? 5,000 रुपये उनको दिया जाएगा पेंशन। महतारी दुलार योजना, कौन सी दोस्तों? महतारी दुलार योजना, महतारी दुलार योजना। इसके तहत दोस्तों जो बच्चे कोविड महामारी के कारण जो बच्चे अनाथ हुए दोस्तों, उनके पढ़ाई का खर्चा दोस्तों कौन उठाएगी? छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी दोस्तों। किस कौन सरकार? छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। महतारी योजना कौन से राज्य से संबंधित दोस्तों? छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, कौन सी दोस्तों? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना दोस्तों, ये कौन से राज्य से संबंधित दोस्तों? ये उत्तराखंड से। किसे संबंधित?
उत्तराखंड से दोस्तों ये संबंधित है। इसके तहत जो भी बच्चे कोविड-19 में जिनके जो बच्चे अनाथ हुए दोस्तों उन बच्चों को 3,000 रुपये पर मंथ दोस्तों दिए जाएंगे उत्तराखंड राज्य में। और दोस्तों उत्तराखंड राज्य की और एक योजना थी, उसका नाम है दोस्तों मिशन हौसला। कौन सा दोस्तों? मिशन हौसला जो है ये दोस्तों ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा, कौन किसके द्वारा? उत्तराखंड पुलिस द्वारा दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई है। और ये जो है पुलिस जो है मरीज के घर पर जाके उनको सभी सुविधाएं प्रदान करेगी, मरीज के घर जा कर के उनको सभी सुविधाएं देगी दोस्तों। और एक योजना थी दोस्तों कोविड फतेह। कौन सी दोस्तों? कोविड फतेह योजना है। ये योजना थी दोस्तों पंजाब की जो भी गांव अपने गांव को पूरा टीकाकरण दिलाएगा, पूरा टीकाकरण दिलाने के बाद उस गांव को दोस्तों पंजाब सरकार की ओर से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे गांव के विकास के लिए। और दोस्तों और एक योजना थी दोस्तों संजीवनी परियोजना। दोस्तों संजीवनी परियोजना दोस्तों एक कौन से राज्य के लिए है? दोस्तों ये है हरियाणा सरकार ने चलाई है अपने राज्य के अंदर। कौन सी? संजीवनी परी योजना। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बीते दिनों चर्चा में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसके लिए जो है ये दोस्तों भितरकनिका, मैंने कितनी बार सुना भितरकनिका, सिमलीपाल, ये दोस्तों कहाँ पर है? एक कहाँ के एक नेशनल पार्क है दोस्तों, ये है ओडिशा के नेशनल पार्क है। और इस नेशनल पार्क में क्या हुआ ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी दोस्तों यास चक्रवात, कौन सा चक्रवात? यास चक्रवात दोस्तों ये आया था। और यास चक्रवात दोस्तों कहाँ से आया था? यास चक्रवात आया दोस्तों बंगाल की खाड़ी से। दोस्तों कहाँ से आया था? ये बंगाल की खाड़ी से आया था। और इसका नामकरण दोस्तों किसने किया था? ओमान ने इसका नामकरण किया था। जब दोस्तों यास चक्रवात आ गया तो यास चक्रवात ने क्या किया दोस्तों, सबसे ज्यादा जो वन होते दोस्तों भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो मैग्रोव वन होते दोस्तों, कौन से? मैग्रोव वन इस चक्रवात के कारण बहुत ज़्यादा मैग्रोवन के दोस्तों तबाही हो गई इस यास चक्रवात ने, मतलब भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इसकी काफ़ी तबाही हो गई, इसलिए ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी चर्चा में है। जो समुद्र किनारे इन चक्रवातों से बसने के लिए मैग्रोव वन जो वृक्ष है दोस्तों ये लगाए जाते हैं। और यही मैग्रोव वन वृक्ष जो भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर थे, और यही ये जो वृक्ष है दोस्तों यही इनकी ज़्यादा तबाही हुई है किसके अंदर? भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर। इसलिए आपको भितरकनिका नेशनल पार्क दोस्तों याद रखना, ये कौन से राज्य में दोस्तों? ये है उड़ीसा राज्य के अंदर। ये तो दोस्तों यास चक्रवात से हुआ है दोस्तों, कोई किससे? यास चक्रवात से हुआ है। और एक चक्रवात इससे पहले आया था दोस्तों, उसका नाम क्या था? तौकाते। क्या था दोस्तों? तौकाते नेशनल पार्क था दोस्तों आया था। और ये कहाँ से आया था दोस्तों? अरब सागर से। कहाँ से आया था? ये अरब सागर से दोस्तों आया था। अभी आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप तो आप देख लेना अरब सागर किस तरह पे दोस्तों, और बंगाल की खाड़ी किस तरह पे दोस्तों, ये आपने उसी समय मैप के अंदर दोस्तों देख लेना है। और दोस्तों ये जो तौकाते दोस्तों इसका नामकरण किसने किया दोस्तों? ये किया था म्यांमार में। किसने किया था? म्यांमार में। और यास का नामकरण किसने किया दोस्तों? ओमान ने इसका नामकरण किया है। कितने देश दोस्तों ये जो चक्रवात जो आते हैं दोस्तों इनका नामकरण करते हैं दोस्तों? टोटल 13 देश है जो इनका नामकरण करते हैं। चक्रवात निसर्ग जो 2020 में आया था दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये 2020 में कोई एग्जाम्स नहीं हुए थे, इसलिए 2020 का थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर भी आपको पता होना चाहिए। चक्रवात निसर्ग, कौन सा चक्रवात निसर्ग जो 2020 में आया था इसका जो दोस्तों नामकरण किया था बांग्लादेश ने दोस्तों। किसने किया था? बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। और एक तूफान आया था दोस्तों
वो कौन सा? अम्फान तूफान। कौन सा दोस्तों? अम्फान। ये भी दोस्तों 2020 का ही तूफान है और इसका नामकरण किया था दोस्तों थाईलैंड ने। किसने किया दोस्तों? थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 30 मई 2021 को 2 दिवसीय P4G समिट 2021 किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? दोस्तों ये P4G ये दोस्तों किस देश के अध्यक्षता में संपन्न हुई दोस्तों? तो ये हुई दक्षिण कोरिया की अध्यक्षता में दोस्तों ये संपन्न हुई है। दोस्तों दक्षिण कोरिया का लोकेशन तो आपको पता ही होगा दोस्तों। दक्षिण कोरिया कहाँ पर है आपको पता होगा, साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया ये अगल, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोस्तों, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया दोस्तों इनकी बॉर्डर लगती है आपको चाइना के पास ही ये दोनों देश है। नीचे दोस्तों साउथ कोरिया है इस तरह से और ऊपर क्या दोस्तों ये नॉर्थ कोरिया है। दक्षिण कोरिया के दोस्तों कैपिटल क्या है? सियोल। क्या है दोस्तों? सियोल जो है दोस्तों दक्षिण कोरिया की कैपिटल दोस्तों, ये इसका आंसर। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोस्तों जो मैंने बताया, दक्षिण कोरिया दोस्तों और ये दक्षिण कोरिया नीचे और ये उत्तर कोरिया नीचे दोस्तों ऊपर दोस्तों, इनके बीच इनको अलग करने वाली जो अक्षांश रेखा है दोस्तों, वो अक्षांश रेखा दोस्तों कौन सी है? ये जो आंसर दोस्तों आपने सभी ने कमेंट बॉक्स में भेजना है। दक्षिण कोरिया वो उत्तर कोरिया को अलग करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है दोस्तों? ये सभी ने इसका आंसर भेजना है दोस्तों, कौन सी अक्षांश रेखा है वो दोस्तों बता देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग फिर ढूंढते रहोगे इधर उधर। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दोस्तों, कौन सी? 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये दोनों देशों को अलग करती है। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और यूएसए और कनाडा को जो अलग करती है दोस्तों ये है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। और दोस्तों मालदीव और मिनिकॉय को दोस्तों 8 डिग्री और मिनिकॉय और कवरत्ती को दोस्तों 9 डिग्री। इतनी जो है दोस्तों ये जो है अक्षांश रेखा जो दोनों को अलग करती, ये आपको पता होना चाहिए। अगले चल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व दूध दिवस जो है आज ही मनाया जाता है, 1 जून को दोस्तों। कब? 1 जून को। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई दोस्तों, 1 जून को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस दोस्तों। तो विश्व जो है नहीं, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया दोस्तों 26 नवंबर को। और एक दिन मनाया जाता है दोस्तों, कौन सा? संविधान दिवस दोस्तों। कौन सा? संविधान दिवस जो है वो भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन जो है दोस्तों, वर्गीज कुरियन क्या दोस्तों? वर्गीज कुरियन जो है इनके जन्मदिन पे दोस्तों ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और श्वेत क्रांति के जनक किसके दोस्तों? श्वेत क्रांति के जनक जो दोस्तों कौन है? वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है। जून के दोस्तों कुछ मंथ जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मंथ, इनको आप पक्का याद रखना। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये तो दिन में कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसी दिन जो है मेरी शादी हुई थी दोस्तों। आगे देखते हैं। और 8 जून को दोस्तों किसको? 8 जून को जो है विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। किसको? विश्व समुद्र दिवस जो है मनाया जाता है 8 जून को।
17 जून को दोस्तों विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब? 17 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ये तो आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व एस्ट्रॉइड दिवस, शुद्र ग्रह दिवस मनाते हैं दोस्तों, 30 जून को मनाते हैं। विश्व एस्ट्रॉइड दिवस जो मनाते हैं 30 जून को मनाया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन तो दोस्तों आपके पेपर में 100% है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो आपका 100% है। हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है दोस्तों? ये जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने दोस्तों ये खिताब जीता है। ये प्लेयर दोस्तों कहा के सर्बिया के प्लेयर दोस्तों, किसके? सर्बिया के दोस्तों ये प्लेयर है। और बेलग्रेड जो है दोस्तों सर्बिया की राजधानी है, बेलग्रेड दोस्तों किसकी राजधानी है? सर्बिया की राजधानी है दोस्तों। नोवाक जोकोविच, आप ये अपने नोटबुक के लिख लेना, ये जो नोवाक जोकोविच ने एक तो बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता, और इन्होंने कौन सा किताब जीता है दोस्तों? इन्होंने और एक किताब जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 दोस्तों, पक्का अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है दोस्तों 2021, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 ये भी किताब जीता है दोस्तों। किसने? नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच ने को बेलग्रेड ऑस्ट्रेलियन, नोवाक जोकोविच बेलग्रेड ऑस्ट्रेलियन दोस्तों, नोवाक जोकोविच ध्यान रखो, और यही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला किताब जीता दोस्तों, महिला किताब जीता है नाओमी ओसाका। किसने दोस्तों? पुरुष का जीता किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और महिलाओं का किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है नाओमी ओसाका ने। किसने दोस्तों? नाओमी ओसाका ने कौन सा किताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला। और दोस्तों और एक किताब है इटालियन ओपन 2021 इटाली, अभी पक्का मुझे याद है कि अगर आप लोगों ने इसको लिख लिया तो कभी नहीं भूलोगे। इटालियन ओपन 2021 का किताब दोस्तों किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है दोस्तों, राफेल नडाल दोस्तों कहाँ के हैं? राफेल नडाल दोस्तों स्पेन के, किस कहाँ के दोस्तों? स्पेन के। इटालियन ओपन 2021 का किसने जीता दोस्तों? राफेल नडाल ने जीता। राफेल नडाल को ही किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। और दोस्तों और एक अवार्ड है राफेल नडाल के नाम पे, वो है दोस्तों लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। देखो राफेल नडाल के नाम पे दो बता, एक तो इटालियन ओपन दोस्तों याद रखो, और दूसरा दोस्तों कौन सा? लॉरियस स्पोर्ट्स। कौन सा दोस्तों? लॉरियस स्पोर्ट्स जो दोस्तों, लॉरियस स्पोर्ट्स ये दोस्तों ध्यान रखो, लॉरियस स्पोर्ट्स ये भी किसने जीता है दोस्तों? राफेल नडाल ने ही दोस्तों ये जीता है, एक तो लॉरियस स्पोर्ट्स और इटालियन ओपन 2021 राफेल नडाल। उसके बाद जो दोस्तों लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड महिलाओं में किसने जीता दोस्तों? ये जीता है नाओमी ओसाका में, ये भी किसने जीता दोस्तों? नाओमी ओसाका। मुझे पक्का याद दोस्तों, आप लोग अगर इतना पढ़ लिया तो आपका इससे रिलेटेड एक नंबर तो आपका कहीं नहीं गया। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है दोस्तों? ये योजना शुरू की दोस्तों आसाम ने। किसने शुरू की दोस्तों योजना? आसाम ने शुरू की दोस्तों। और इस योजना के तहत COVID-19 में जो भी बच्चे अनाथ हुए दोस्तों, उन बच्चों को शिक्षा के लिए 3,500 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे दोस्तों। कितना? 3,500 रुपये दोस्तों पर मंथ दिए जाएंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य दोस्तों, हमारा एक नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपने सभी योजना जो है अपनी नोटबुक के अंदर लिखते चलो। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री
के रूप में किसने शपथ ली दोस्तों, ये लिए हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों। कौन है, यही है हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों, ये बने आसाम के मुख्यमंत्री। और दोस्तों असम के राज्यपाल दोस्तों कौन है, जगदीश मुखी दोस्तों, ये कौन है असम के राज्यपाल है, जगदीश मुखी। असम के जो नेशनल पार्क दोस्तों डिब्रू साइकोवा काजीरंगा मानस नामेरी, ये जो दोस्तों असम के नेशनल पार्क है। और इस जो डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है दोस्तों, इसके अंदर कुछ दिन पहले ही 120 सालों के बाद, इसलिए डिब्रू साइकोवा आप पक्का ध्यान रखना, 120 सालों के बाद यहाँ पर मंदारिन बत्तख देखने को मिली दोस्तों। कौन सी, मंदारिन बत्तख जो दोस्तों 120 सालों के बाद इस डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क के अंदर देखी गई दोस्तों। औरंग नेशनल पार्क दोस्तों ये भी असम में स्थित है। उसके बाद दोस्तों डिगबोई भारत का पहला तेल कुआ दोस्तों, कौन सा, डिगबोई, ये भी आपको पता होना चाहिए। शुक्रेश्वर मंदिर और कामाख्या माता मंदिर, ये भी दोस्तों कहाँ पर है, असम के अंदर ही है। अंबुवाचे मेला दोस्तों ये असम में होता है। और असम का नृत्य दोस्तों सत्रिया नृत्य दोस्तों ये असम का ही है। और काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों किसके लिए फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों ये जो है एक सिंग वाला गेंडे के लिए फेमस है। कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाला गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा दोस्तों इसके लिए कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है। और दोस्तों और आसाम से रिलेटेड और क्या हो सकता है, आसाम का जो एयरपोर्ट दोस्तों इसका नाम है गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट। कहाँ पर दोस्तों, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट दोस्तों, ये किसका है, असम का एयरपोर्ट है, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट दोस्तों गुवाहाटी में है। इन्हीं को ही आधुनिक असम का संस्थापक दोस्तों कहा जाता है। और असम की दोस्तों चाय, दार्जिलिंग चाय सबसे फेमस दोस्तों, कौन सी, दार्जिलिंग की चाय जो दोस्तों सबसे फेमस है असम की। तेजपुर की लीची दोस्तों कहाँ, तेजपुर की लीची दोस्तों इसको जीआई टैग मिला है दोस्तों। क्या मिला है इसको, जीआई टैग मिला है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। बीते दिनों चर्चा में रही लेटे हुए बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी दोस्तों, लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा दोस्तों बोधगया बिहार का दोस्तों, ये बोधगया बिहार में पड़ती दोस्तों, यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित की जाएगी, भारत की सबसे बड़ी दोस्तों ये प्रतिमा है। और दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को सेना द्वारा दोस्तों गिरफ्तार कर लिया है, ये जो दोस्तों माली के जो राष्ट्रपति दोस्तों इब्राहिम, इनको और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर दोस्तों इनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और कुछ समय के बाद इनको वहां पर रिहा भी कर दिया है, गिरफ्तार करके इनको रिहा कर दिया है। अभी वहां पर दोस्तों एक तरह का मिलिट्री शासन दोस्तों लागू हो गया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चीन ने टू चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव कर थ्री चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है दोस्तों, चीन में टू चाइल्ड पॉलिसी कब लागू की गई थी दोस्तों। चीन भी बड़ा खतरनाक देश है, आप देखो इन्होंने सबसे पहले 1970 में, कब दोस्तों 1970 में, क्योंकि ज़्यादा आबादी इनकी बढ़ने लग गई तो इन्होंने सोचा कि हम वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करते दोस्तों। क्या इन्होंने सबसे पहले कर दी, वन चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने सबसे पहले लागू कर दी, वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। और दोस्तों उसके बाद क्या हो गया, इन्होंने वहाँ पर जो है जवानों की संख्या कम होने लग गई थी, इन्होंने 2016 में, कब, वर्ष 2016 में इन्होंने फिर टू चाइल्ड पॉलिसी दोस्तों लागू कर दी, टू चाइल्ड पॉलिसी दोस्तों इन्होंने लागू कर दी। फिर भी इनका मन नहीं भरा दोस्तों, वहां पर अभी भी जवानों की संख्या कम है, बूढ़ों की संख्या सबसे ज्यादा है दोस्तों,
इसलिए इन्होंने 31 मई 2021 को दोस्तों 31 मई 2021 को फिर वहाँ पर थ्री चाइल्ड पॉलिसी दोस्तों लागू कर दी। कौन सी थ्री चाइल्ड पॉलिसी दोस्तों वहाँ पर लागू कर दी है। दोस्तों भारत जो है विश्व का सबसे अधिक युवाओं का देश है दोस्तों, क्या भारत। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर यही पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये करंट अफेयर पसंद आ गया दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब पक्का कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।